अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहादून में आप सभी का खैर मकदम है। धर्म नफरत और कर्ज में डूबता भारत, क्या अब यही पहचान बन चुकी है? आज के इस मौजू पर गुफ्तगू करने से पहले वज़ीरे आज़म के उस बयान को सुनते हैं जब वो इख्तदार में नहीं थे। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाए, उसकी कॉम्पिटिशन चल रही है। देश जब आजाद हुआ तब $1 ₹1 के बराबर था। ₹1 में $1 बिकता था। जब अटल जी की सरकार थी, अटल जी जब पहली बार सरकार बनाई तब तक मामला पहुंच गया था ₹42 तक। और अटल जी ने जब छोड़ा % में फर्क आया, लेकिन इस सरकार ने और अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के काल में ये ₹7 पर अगर प्रधानमंत्री हो तो वो कहेंगे कि राजा जिम्मेदार है महंगाई के लिए, शरद पवार जिम्मेदार है। इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है और जैसे जैसे करेंसी गिरती है कैसे कैसे देश की प्रतिष्ठा गिरती है। इसलिए आज मैं आपसे मांग करती हूँ कि वित्त मंत्री के बयान का तो जो हश्र होना था वो हो गया, हमने देख लिया, लेकिन आज हमें प्रधानमंत्री से इस पर वक्तव्य चाहिए। इतने बड़े अर्थशास्त्री जाने जाने वाले, मुझे लगता है कि शायद सबसे बड़ा रिविलेशन इस देश में अगर आज कोई हुआ है तो वो ये कि जो डॉक्टर्स किए हुए इकोनॉमिक्स में, जो PhD लिए हुए हैं इकोनॉमिक्स में, वो लोग इस देश की इकोनॉमी और इस देश की अर्थव्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री से इस सदन में वक्तव्य चाहिए। प्रधानमंत्री आए और बताएं कि ये रुपया जिस तरह से गिर रहा है, क्या ये गिरना रुकेगा? अगर रुकेगा तो उन्होंने क्या उपाय इसके लिए सोचे हैं? मैं आपके माध्यम से चाहूंगी कि आप सरकार को निर्देशित करें कि स्वयं प्रधानमंत्री आए और इसके ऊपर सदन में वक्तव्य दें। धन्यवाद। मतलब इन्हीं की जबानी है कि जब रुपया गिरता है तो मुल्क की अजमत वकार भी उसके साथ गिरता रहता है, लिहाजा आज डॉलर के मुकाबले में पिछले 20 साल के सबसे निचले मियार पर रुपया जा गिरा। जब मोदी हुकूमत इख्तदार पर नहीं थी तब ₹50 के आसपास होने की बात कही जाती है, लेकिन अब डॉलर के मुकाबले में ₹80 देने पड़ते हैं। सिर्फ रुपया ही नहीं बल्कि और भी दिगर मामलात में भारत की गिरती साख्य भारत को श्रीलंका से भी बदतर हालात में ले जाने वाली तो साबित नहीं होगी, ऐसा डर कई इल्मी माहिरीन ने जाहिर किया। हाल ही में भारत की GDP को लेकर नया डेटा मंजरेआम पर लाया गया जिसमें आजाद भारत की सबसे निचले स्तर पर ही नहीं बल्कि -7.3% को छू लिया है। अब इसके कई वजहात हैं और खासकर मोदी हुकूमत ने जो मनमानी फैसले जिस तरह से लिए इसका खामियाजा मुल्क के हर शहरी को भुगतना पड़ रहा है। नोटबंदी से लेकर GST, किसान कानून, CAA, NRCA और तरह तरह के मुख्तलिफ कानून फैसले, देश भर में एहतजाज देखे गए। खैर, भारत की मईशत इससे पहले 1965 में गिरी थी, यानी GDP -2.6, और इसकी वजह थी भारत पाकिस्तान जंग। लेकिन अब जिस मियार पर पहुंची है यह सबसे खतरनाक मोड़ पर है। भारत की जो हालत बनी हुई है इसकी फिक्र दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को हो रही है, लेकिन भारत की मोदी हुकूमत आज भी इसे बेहतर ही साबित करने की कोशिश करते हुए नेपाल और पाकिस्तान की मिसाल देती हुई देखी जाती है। बांग्लादेश की नहीं दे सकते क्योंकि बांग्लादेश हमसे भी आगे निकल चुका है। गिरती मईशत और महंगाई भुखमरी की मिसाल जो पड़ोसी मुल्कों की दे रही है वो कहां तक दुरुस्त है? क्या भारत के लोगों को पड़ोसी मुल्कों की मिसाल देकर यहां की मईशत को संभाला जा सकता है? और भारत में किसी तरह की आवाज न उठाना ये भी एक अहम माना जाता है। और अब तो जो भी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाता है उसे जेल में डालने का दौर भी शुरू हो चुका है। अगर आप भुखमरी की कगार पर भी हो तो आपको भाजपा मोदी हुकूमत को सवाल करना होगा, देशद्रोह साबित कर जेल में बंद किया जा सकता है। हाल ही में जो गिरफ्तारियां अमल में आई है इससे साफ जाहिर होता है कि पहले गिरफ्तार किया जाता है फिर जुर्म तय करने के लिए SIT या खास जांच वफद को
तश्कील दिया जाता है। मोहम्मद जुबैर जिसने मोदी हुकूमत के गलत पॉलिसियां और दिगर मामलात को एक्सपोज करने की कोशिश की थी, पहले तो फर्जी ट्विटर के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया, फिर उस ट्वीट को भी डिलीट कर दिया गया और अब मुकदमों को एक के बाद दिगर दर्ज किए जा रहे हैं। अब SIT जांच की टीम तश्कील दी जा रही है ताकि किस जुर्म में से जेल में रखा जाए। तीस्ता से तलवाड़ भी इसी की कड़ी कह सकते हैं। हजारों मुसलमानों की नस्ल पीछे करने के बावजूद गुजरात फसाद को भी सियासी तौर पर फायदा उठाने की घटिया साजिश की इंतहाई कहा जा सकता है। खैर, अब भारत की मईशत जिस तरह जमीन में धसती जा रही है, क्या भारत का भी श्रीलंका हो सकता है? ऐसा सवाल उठना इसलिए भी लाजिम है क्योंकि 2021 के मुताबिक भारत पर $570 बिलियन से भी ज्यादा कर्ज चढ़ चुका है। लेकिन भारतीयों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। राम मंदिर, हिंदू राष्ट्र, संविधान बदलने का काम भी जारी है और इसी में खुश रहो। और अगर एक और पहलू देखेंगे तो भारत में नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है। भारत में किसानी बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन भारत सिर्फ 1 करोड़ आबादी में चीन से पीछे रह चुका है। किसी तरह का हिंदू मुस्लिम किए बगैर इस मुल्क की तरक्की के रास्तों को हमवार करने से मुल्क की गिरती मईशत को भी संभाला जा सकता है, लेकिन मौजूदा हुकूमत को इसकी कोई फिक्र नहीं है। इसके सिवाय हिंदू मुस्लिम नफरती एजेंडा चलाकर इख्तदार पर बैठे रहना यही इनका मंशा है। और आखिर बाहर की कंपनियां क्यों निवेश नहीं कर रही? आखिर क्या बात है कि जो कंपनियां है वो भी यहां से बंद करके निकलती जा रही है या जाना चाहती है? जहां गरीबी भुखमरी में भारत आगे बढ़ते जा रहा है, वही मोदी के खास दोस्त अडानी का नाम दुनिया के 4 अमीर लोगों की फहरिस्त में दर्ज किया गया है। बेरोजगारी में भारत तारीख के मियार पर पहुंच चुका है, पर मोदी के अमीर दोस्त और अमीर बनते जा रहे हैं। खैर, लुलु सुपरमार्केट की इफ्तिताह हाल ही में लखनऊ में हुई। अब यहां भी किस तरह हिंदू मुस्लिम किया गया और लुलु के यूसुफ अली शायद कहां आकर फंस गया कह रहे होंगे। इस मॉल की इफ्तिताह वजीर आला योगी आदित्यनाथ के हाथों से हुई। तकरीबन 2,500 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों की लागत इस लुलु शॉपिंग मॉल में लगाई गई। अब यहां भी हिंदुत्ववादी किस तरह रुकावट पैदा कर रहे हैं, मैं सोचने की बात है। जिनके दिमागों में गोबर भरा हुआ रहता है यकीनन मुल्क की तरक्की का नहीं सोच सकते, यही इससे साबित होता है। दुनिया में जहां भी लुलु मॉल बना हुआ है वहां मुलाजमीन और ग्राहकों के लिए प्रेयर रूम यानी कि नमाज के लिए रूम बनाई जाती है। जाहिर है यहां भी हो सकती है। अब जब हर जगह पर मंदिरें बनाई जा सकती है तो जहां अगर इसका मालिक अगर कोई मुस्लिम है और वो नमाज के लिए अगर एक प्रेयर रूम बना रहा है तो इसमें हर्ज क्या है? खैर, लुलु मॉल में नमाज अदा करने की वारदात या फिर वीडियो वायरल हुआ, इसके खिलाफ हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पढ़ने के लिए लुलु मॉल के सामने यही हिंदुत्ववादी फौज खड़ी हो गई। अब इस मामले को क्या कहा जाए? समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इस तरह की हरकतें मुल्क की तरक्की की राह में रोड़ा हो चुके का। अब खुद योगी भी इस मामले में घिरते नजर आ रहे। हिंदुत्ववादी अब इस मॉल पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं। अब हिंदू महासभा ने इस मॉल को इस्लाम की तबलीग और हिंदुओं पर जुल्म करने के लिए तामीर करने का इल्जाम लगाया। यहाँ 70% मुसलमान मुलाजमीन है और लोग जिहाद के लिए हिंदू लड़कियों को लिया जा रहा है, ऐसा भी इन्होंने अपने मुतालबे में दर्ज किया है। क्या कोई बता सकता है कर्ज में डूबता मुल्क, गिरती मईशत, जमीन में धसती GDP, तारीख की गिरावट दर्ज कर चुका रुपया ऐसी सोचो फिक्र से उभर सकता है? आखिर इस तरह की सोचो फिक्र के पीछे क्या वजह हो सकती है? देश कर्ज में डूबता जा रहा है, भुखमरी की नौबत आने के इम्कान जाहिर किए जा चुके हैं, कई रियासतों में भुखमरी की नौबत आ भी चुकी है और ऐसे में हिंदुत्ववादी सोचो फिक्र की बुनियाद और नफरत परोसी जाए इसे क्या कहेंगे? लिहाजा कर्ज में डूबता भारत बढ़ती सांप्रदायिकता बजाय इस मुल्क को विश्वगुरु नहीं बल्कि भिखारी बनाने की राह पर ले जा रहा है। भारत के हर शहरी को अपनी सोच को बदलना होगा क्योंकि जब रुपया GDP गिरने लगती है तो इसका असर सीधा हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर होता है। गैस, पेट्रोल, अनाज, सब्जी, जब हर चीज इस कदर महंगी हो जाए कि आम इंसान खरीदने से कासिर होने लगे तो फिर भारत का हाल श्रीलंका होने से कोई नहीं बचा सकता, फिर चाहे तो तुम हिंदू राष्ट्र में ही क्यों न रहो। रहमान फाउंडेशन नुमानी अस्पताल की जानिब से कल बरोज पीर 18 जुलाई को खवातीन के मुस्तकिल अमराज पर फ्री गायनेक मेडिकल कैंप और लेडीज रखा गया। माहिर लेडीज डॉक्टर्स इसमें शरीक होंगी। सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक जैबुनहाल अमन नगर में ये प्री मेडिकल कैंप रखा गया है, लिहाजा इसमें शिरकत कर इसका फायदा उठाया ऐसा नुमानी अस्पताल की जानिब से ऐलान किया गया। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।